नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी चार रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक्स जो कि रेडी हो सकती हैं 5 से 10 मिनट में। एंड चारों बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रिंक्स हैं, बड़े बच्चों सबको बहुत अच्छी लगेंगी, हेल्दी भी हैं, न्यूट्रिशियस भी हैं और बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के भी हैं। और चारों ड्रिंक्स अपने आप में बहुत टेस्टी हैं एंड स्पेशली ये फोर्थ वाली, ये एक हाई प्रोटीन प्री बायोटिक ड्रिंक है जो कि वेट लॉस के लिए और पोस्ट वर्कआउट के लिए भी बहुत ही अच्छी है। बट वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स आगे भी मिलते रहे और ऐसी बहुत सारी हेल्दी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो पहले ड्रिंक शुरू करते हैं, वाटरमेलन कूलर। तो ऑब्वियसली इसके लिए हमें वाटरमेलन चाहिए, एक बढ़िया मस्त लाल वाटरमेलन हमें चाहिए होगा इसके लिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाटरमेलन को बिग चंक्स में काट लेंगे। हमें इसे डीसीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सीड्स हम रिमूव करेंगे। मैं आगे आपको बताऊँगी कि आप इसे कैसे बना सकते हैं। बिग चंक्स को काट के आपको मिक्सर ग्राइंडर के लॉन्गेस्ट जार में डालना है। लॉन्गेस्ट जार में इसलिए कह रही हूँ ताकि कोई स्पिलेज ना हो। और देखिए, इतना अगर आप वाटरमेलन लेंगे तो आपके 2 ग्लासेस इस ड्रिंक के प्रिपेयर हो जाएंगे। एंड ये ड्रिंक बहुत एक्सट्रीमली हेल्दी है उन लोगों के लिए जिनका हीमोग्लोबिन काउंट भी लो रहता है। अब हमने वाटरमेलन को मिक्सर ग्राइंडर में प्यूरी कर लिया है और उसके बाद सूप स्ट्रेनर की हेल्प से हम लोग इसे स्ट्रेन कर लेंगे। इसलिए मैं कह रही थी कि हमें डीसीड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सूप स्ट्रेनर में जो सीड्स हैं वो रह जाएंगी और नीचे आपको पूरा आपका वाटरमेलन का जूस मिल जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि ये ड्रिंक बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए, क्योंकि एक तो एनर्जी भी देती है, दूसरा उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, उन फीमेल्स के लिए जिनका हीमोग्लोबिन काउंट कम रहता है। तो वाटरमेलन एक ऐसा फ्रूट है जिससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है, गर्मियों में रिफ्रेशिंग लगता है और एनर्जी देते हैं। बच्चों को फ्रूटी पिलाने से कई गुना अच्छा है। इसमें मेरा वर्जन है, इसमें हल्का सा ब्लैक सॉल्ट डालेंगे, हल्का सा हम रोस्टेड क्यूमिन पाउडर डालेंगे। ये दोनों टेस्ट वाटरमेलन जूस की डाइजेस्टिबिलिटी को भी इम्प्रूव करेगा और इसके मीठापन को एक काउंटर देगा। और लीजिए, आपका वाटरमेलन कूलर तैयार है। इसे फ्रिज में रखिएगा या फ्रिज का निकला हुआ वाटरमेलन यूज कर लीजिएगा, आपकी मस्त एकदम ठंडी ड्रिंक तैयार है। अब शुरू करते हैं हमारी दूसरी ड्रिंक जो कि है आम पन्ना। अगेन गर्मियों के लिए बहुत स्टार डिश, क्योंकि जो रॉ मैंगो है ये गर्मियों में ही आते हैं तो इसको हम गर्मियों में इंजॉय कर सकते हैं। प्लस इसका जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं वो भी हम लोगों को गर्मियों में ही मिलेंगे। बच्चों को वंस अगेन रसना टैंग इन सब चीज़ों से बेटर है कि हम लोग उन्हें घर की बनी हुई ड्रिंक्स बना के दें। और इस ड्रिंक की शेल्फ लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहेगी, एक बार ये कॉन्सेंट्रेट आप तैयार करके रखेंगे तो महीना डेढ़ महीना इसमें कुछ नहीं होगा। अब हम इन सारे जो रफली चॉप चंक्स लिए हैं हमने, मैंने आधा किलो कच्चा आम लिया है, उसको हम पैन में हल्का सा पानी डाल के इसको पका लेंगे। हमने यहाँ पे जो कच्चा आम लिया है वो देखिए मैंने हल्का सा येलोइश कलर का लिया है। उसका रीज़न है कि आम पन्ना में थोड़ा मीठापन और खट्टापन दोनों अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैंने ये वाले लिए हैं। बाकी आपको जैसे भी मिले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें एक तरीके से चाशनी भी बनानी है। उसके लिए हमने क्या कर रखा है, 1 ग्लास वाटर में हम 50 ग्राम शुगर ऐड करेंगे। तो मेरा रेशो है कि 50 ग्राम ही हमने आम लिया था, 50 ग्राम ही हम शुगर लेंगे। हम पहले आम को पका लेंगे एंड उसके बाद हम शुगर को पका लेंगे। शुगर को ऑन एंड अप्रॉक्स 15 मिनट्स पकाइएगा, ना ज़्यादा तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, पर हाँ थोड़ी सी थिक चाशनी चाहिए। शुगर नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है, तो ये हमें इसको प्रिजर्व करने में भी हेल्प करेगा और एक मीठा टेस्ट भी देगा। ये ट्राई करके देखिए, अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है, और अपने बच्चों को भी ट्राई कराइए। जो हमारे पके हुए आम के पीसेस हैं वो हमने क्या करा है, मिक्सर ग्राइंडर जार में अगेन उसका प्यूरी कर लिया है। अगर आपको लग रहा है कि आपका फाइब्रस आम है तो आप इसे स्ट्रेन कर लीजिए,
और अगर आपको लग रहा है कि प्यूरी बहुत स्मूथ हुई है तो स्ट्रेन वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, शुगर सिरप में हम ये प्यूरी ऐड कर लेंगे और अगेन इसे पैन में चढ़ा देंगे, कम से कम 10 मिनट तक इसे पकने देंगे ताकि ये और रिड्यूस हो जाए और एक बिल्कुल बढ़िया मार्केट जैसा कॉन्सेंट्रेट की तरह प्रिपेयर हो जाए। वंस अगेन गर्मियों में रोस्टेड क्यूमन पाउडर ज़रूर डालिए, डाइजेस्टिबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। एंड वाइट सॉल्ट की जगह आप ब्लैक सॉल्ट का यूज़ करिए, फ्लेवरफुल भी होता है, मिनरल रिच भी होता है और पेट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरीके से हमारा ये आम पन्ने का कॉन्सेंट्रेट तैयार हो गया है। इसे कूल कर लीजिए और एक कांच की बॉटल में स्टोर करके रख लीजिएगा। अब आपको जब भी पीना है तो आप क्या करेंगे, हल्का सा कॉन्सेंट्रेट लीजिए, ठंडा ठंडा पानी लीजिए, ठंडी ठंडी बर्फ़ डालिए, मिक्स करिए और आप इसको एंजॉय कर लीजिए। और अब हम हमारी थर्ड ड्रिंक की तरफ चलते हैं जो कि है जलजीरा। जलजीरा मैं इमली के वाटर का यूज़ करके भी बनाऊंगी क्योंकि जलजीरा एक ऐसी ड्रिंक है जो गोलगप्पों के साथ भी जाती है और जलजीरा एज अ ड्रिंक भी इंजॉय की जा सकती है। जिन लोगों को गर्मियों में भूख कम लगती है उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया ड्रिंक है, डाइजेस्टिव इशूज़ को बहुत अच्छे से सॉल्व करेगा। और दूसरा है जिनका हीमोग्लोबिन कम रहता है उन लोगों के लिए भी ये ड्रिंक बहुत अच्छी है। इसमें काफ़ी सारे ग्रीन्स हम ऐड कर रहे हैं एंड इट इज़ बाई फार वन ऑफ द मोस्ट टेस्टीएस्ट एंड माई फेवरेट ड्रिंक। तो हम क्या करने वाले हैं, अगेन एक मिक्सर ग्राइंडर जार में अपने सारे ग्रीन इंग्रीडियंट्स को ऐड करने वाले हैं और हम इनकी एक चटनी टाइप प्यूरी बना लेंगे। अमाउंट ऑफ वाटर आप कितना डालेंगे वो आपके ऊपर है, बट पुदीने और धनिए का रेशो ऐसे रहेगा कि अगर आधा बाउल पुदीना है तो एक बड़ा बाउल आप धनिया लेंगे, तो 50-50 का रेशो प्रिपेयर करिएगा। उससे पुदीने का फ्लेवर भी अच्छा आएगा, फ्रेशनेस भी अच्छी आएगी और आपका जलजीरा आपको कड़वा भी नहीं लगेगा। अब देखिए ये सारे ग्रीन्स की प्यूरी हो गई है, मैंने थोड़ा पानी डाल के इनकी प्यूरी कर ली थी क्योंकि हम आगे इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैंने सीडलेस इमली ली है तो मेरा काम काफ़ी आसान हो गया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसको भी मिक्सर ग्राइंडर जार में प्यूरी करने वाली हूँ। अगर आपकी सीड वाली इमली है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके सीड्स को रिमूव करना पड़ेगा या स्ट्रेन करना पड़ेगा और आपका इमली का पानी तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मेरी सीडलेस थी तो मेरा इमली का पल्प डायरेक्टली मिक्सर ग्राइंडर जार में तैयार हो गया है। और अब लीजिए हमारा इमली का पल्प रेडी है, बट इमली के पल्प को हम सूप स्ट्रेनर से स्ट्रेन इसलिए कर लेंगे ताकि हल्के फुल्के जो रेशे आए वो आपके ड्रिंक में ना आए और आपके ड्रिंक को वो डिस्टर्ब ना करें, उनकी कंसिस्टेंसी ड्रिंक की स्मूथ रहे। हम इस इमली के पल्प को स्ट्रेन कर लेंगे। अगर आप इमली ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप नींबू भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, ऐसा नहीं है, बट एक बार आप ये इमली वाला वर्जन भी ट्राई करके देखिएगा। अगर इमली घर में अवेलेबल नहीं हो तो आप नींबू का यूज़ कर लीजिएगा। इमली वैसे भी काफ़ी हेल्दी होती है और जहाँ तक मैक्सिमम नेचुरल खटाई और नेचुरल चीज़ों का यूज़ हम करें वो हमारे लिए अच्छा है। कोई एसिडिटी रेगुलेटर वाला जलजीरा लें उससे तो कई गुना अच्छा है हमारे घर का ये बना हुआ ये जलजीरा। तो अब हमने क्या करा है, ये इमली के पल्प को हमने ले लिया है और अब हम इसको अपने स्वाद के अनुसार उस जलजीरे में ऐड करेंगे। हमें कितना खट्टा पसंद है हमारा जलजीरा उसके हिसाब से, मुझे तो एकदम खट्टा और चटपटा जलजीरा पसंद है इसलिए मैंने उसमें दो हरी मिर्च भी डाली थी। अगर आपके बच्चे हैं जो हरी मिर्च नहीं खाते तो आप उस हरी मिर्च को स्किप कर दीजिए। तो अब हम इसमें हल्का सा काला नमक और वंस अगेन हल्का सा भुना जीरा। काला नमक भुना जीरा आर स्टार इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑल द ड्रिंक्स क्योंकि ये सारे ड्रिंक्स हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के एम से बनाई गई हैं। टेस्ट भी अच्छा और डाइजेशन भी बढ़िया होना चाहिए। बस कोई देर नहीं है जलजीरा बनने में, इसको फटाफट से मिक्स करो और एकदम चिल्ड सर्व करो। ऐसे पीना है ऐसे पीजिए, गोलगप्पे में डाल के एंजॉय करना है गोलगप्पे में डाल के एंजॉय करिएगा। और अब हमारी लास्ट
ड्रिंक आती है जो कि बेस्ट प्रोबायोटिक ड्रिंक है, हाई इन प्रोटीन है। क्या आप इस ड्रिंक के स्टार इंग्रेडिएंट्स को गेस कर सकते हैं वीडियो देख के? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स को गेस कर पाए या नहीं। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी गेस कर पाए तो मैं तो बताऊंगी ही, क्योंकि जो हमारा स्टार इंग्रेडिएंट है इसका वो है सत्तू। चने और जौ का सत्तू मैंने लिया है। अगर आपको चने और जौ का सत्तू नहीं मिले तो आप सिर्फ चने का सत्तू भी ले सकते हैं। सत्तू इतना अच्छा रहता है गर्मियों में, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उसे चेक करिएगा। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। हमने धनिया पत्ती लिया है, हमने पुदीना लिया है, हमने हरी मिर्च ली है, बहुत थोड़ी सी लेने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखेंगे ड्रिंक को, और हमने अदरक लिया है, बस इतना अदरक चलेगा। अब दो मेन सुपर हीरोज क्या है हमारे ड्रिंक के, एक है हमारा थिक होम मेड कर्ड और दूसरा है हमारा जौ एंड चना के सत्तू का पाउडर। अगर आपको दिक्कत है दही जमाने में तो आजकल मुझे एक बड़ा अच्छा ऑप्शन मिला है ऑनलाइन। मैंने एक योगर्ट मेकर बनाया है और उसका रिव्यू भी डाला है अपने चैनल पे, तो अगर आप उसे भी चेकआउट करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिएगा, मेरे चैनल को विजिट करिए और देखिए किस तरीके की वीडियोज़ मैं बना रही हूँ, क्या वो आपके लिए हेल्पफुल हैं। अगर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बस अब क्या था, पानी सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है और हम पानी इसमें इतना डालेंगे जैसे छाछ की कंसिस्टेंसी हमारी आ जाए। और अब हम इसको एक हैंड ब्लेंडर की हेल्प से भी चर्न कर सकते हैं या आप इसे डायरेक्टली मिक्सर ग्राइंडर जार में सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल दीजिए, उसमें भी चर्न कर सकते हैं। ये प्रोटीन रिच भी है, आयरन रिच भी है, प्रोबायोटिक भी है। इसे रोज़ सुबह अगर नाश्ते में लेंगे तो आपको वेट लॉस, शुगर मैनेजमेंट और आपकी थकान भी दूर होगी गर्मियों की। तो लीजिए, हमारी इतनी रिफ्रेशिंग सी एकदम मस्त ड्रिंक तैयार है। अगर आप ये ड्रिंक पहले बना के रख रहे हैं, कई बार होता है हम लेडीज लोग पहले बना लेते हैं ड्रिंक को फिर बाद में पीते हैं, तो जिस टाइम पियेंगे ना आप उसी टाइम उसमें काला नमक डालिएगा, उससे एक तो खट्टी नहीं होगी, दूसरा जो अच्छे बैक्टीरिया है दही के वो आपके नहीं मरेंगे। हल्का सा भुना जीरा ऊपर से डालिए और लीजिए धनिया पत्ती से सजाइए और आपकी बेस्ट हाई प्रोटीन प्रोबायोटिक ड्रिंक रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड, बाय बाय। पर हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम अगली वीडियो में ज़रूर